हेलो आज यहाँ पर हम बोट एंड स्ट्रीम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में प्रीवियस दो लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ा है सेकंड में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पढ़ा था ये उसी का सब पार्ट है अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम जो है ये थोड़ा सा अलग है किससे हमारा स्पीड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से सिर्फ थोड़ा सा अलग है बाकी टॉपिक सेम है और ये जो हमारा है मेंस में और प्री में इसका वेटेज ज्यादा है प्री में दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्पेशली इन एस एंड आर आर बी एंड ऑल्सो इन आई क्योंकि जो एस का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसमें ये हमेशा आता है और मेन्स में इसमें डी बेस्ड क्वेश्चन आता है बोर्ड एंड स्ट्रीम का ये नया पैटर्न है लास्ट टू टू थ्री इयर्स से मीन में किसी ना किसी मेंस में ये आ रहा है अब हम डिस्कस करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कि बोट एंड स्ट्रीम में एक्चुअली में होता क्या है तो सबसे पहले क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है दैट मीन्स कि ये हमारी कोई एक रिवर है उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है उसको हम क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स जो ये रिवर है उसके अंदर जब हमारी बोट चल रही है उस बोट की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अब क्या हो सकता है ये कई बार ऐसा भी दिया रह सकता है कि मैं स्पीड इन स्टिल वाटर तब भी कंडीशन सेम ही होगा अब सेकेंड चीज क्या आती है हमारी एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या होता है वट इज अप्रीम जैसे हमारा ये रिवर है दिस इज रिवर इसमें वाटर फ्लो ऐसे हो रहा है ये हमारा वाटर का फ्लो है जब हमारा वाटर का फ्लो है और जो बोट है हमारा वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है बोट का डायरेक्शन ये है इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम मीन्स बोट और जो स्ट्रीम की स्पीड है मीन उनका जो फ्लो है या डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है तो इस केस में हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाता है स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ये जो हमारा रिवर है सेम डायरेक्शन में ही बोट रह जाएगी मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो इस केस में जो हमारा रिलेटिव स्पीड आता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्ट्रीम प्लस हो जाएगा तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सम बनेगा अब क्या होगा जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वो मैं इसको x लेके चलूंगी और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको मैं y लेके चलूंगी सो so, जो हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा वो x माइनस वाई हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम जो होगा वो हमारा x प्लस वाई होगा और इस पूरा स्पीड बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला का यूज करके करेंगे और कोई भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं रखना है जो बहुत सारा दिया रहता है अप्रीम इक्वल टू वन बाई टू यू प्लस यू माइनस वी एंड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू वन बाई टू यू प्लस वी समथिंग लाइक दिस मुझे कभी वो फॉर्मूला याद नहीं है मैं इसी के बेसिस पे सारा पढ़ाती हूँ और इससे आपका क्वेश्चन बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी हो जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के और अब हम क्या करने वाले हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए बोट इज ट्रेवलिंग इन स्टिल वॉटर विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आर मींस क्या दिया है यहाँ पर एक्स हमारा दिया है 18 किलोमीटर पर आर इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये 20 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर क्योंकि कभी भी हमारी स्ट्रीम की स्पीड जो है बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी तो ये बाय मिस्टेक लिखा गया है तो y इक्वल टू टू किलोमीटर बोट टू ट्रेवल 120 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमारा डाउन स्ट्रीम होता है वो हमारा क्या होता है x प्लस वाई स्पीड so, हमारी क्या आ जाएगी टोटल जो रिलेटिव स्पीड बनेगी डाउन स्ट्रीम में वो आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आर उसके बाद जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस 120 और हमको निकालना क्या है टाइम निकालना है तो स्पीड इधर आ जाएगा स्पीड इज 20 किलोमीटर सिक्स आवर्स टोटल सिक्स आरस लगेगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड इन स्टिल वॉटर इज ट्वेंटी किलोमीटर पर आर दैट मीन अगेन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज फोर किलोमीटर पर आर ओके सो वाई इक्वल टू फोर किलोमीटर पर आर फाइन द अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई सो 20 माइनस फोर सिक्सटीन किलोमीटर पर आवर इन सेम वे जो डाउन स्ट्रीम होता है वो हमारा होता है x प्लस वाई सो 20 प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स एट आवर्स फोर्टी एट मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस मतलब कोई भी एक बोट है जिसने आठ घंटे और फोर्टी एट मिनट सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा 48 को में कन्वर्ट करना ये ट्वेल्थ से कैंसिल हो जाएगा अभी मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके बता रही हूं पूरा ये लेकिन ये सारी कैलकुलेशन हमारी माइंड में हो जानी चाहिए फोर बाय फाइव सो फोर्टी फोर बाय फाइव आवर्स ओके वाइल इट टेक्स फोर आवर्स टू कवर सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है हमारा फोर आवर्स ले रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट मीन्स हमको उस रेशियो निकालना है एक्स और वाई के बीच में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस दोनों में सेम है दोनों में सेम है अब एक में क्या है हमारा x प्लस वाई मींस डाउन स्ट्रीम सो डाउन स्ट्रीम में ये कितना टाइम ले रहा है फोर आवर्स और दूसरा अपस्ट्रीम में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कर देंगे जब हम x माइनस वाई क्योंकि अपस्ट्रीम में इतना टाइम ले रहा है so, 44 फोर अपऑन फाइव आर्स ले रहा है अब क्या करेंगे दोनों डिस्टेंस हमारे कांस्टेंट है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं मीन्स इक्वल टू हो जाएंगे ये हमारे सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई फोर्टी फोर अपॉन फाइव ये आ गया फोर से फोर्टी फोर कैंसिल हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू इलेवन एक्स माइनस इलेवन वाई सो सिक्स एक्स सिक्सटीन वाई अब हमको जो रेशियो निकालना है वो x और y का निकालना है सो सिक्सटीन अपॉन सिक्स दैट इज एट वाई थ्री वेरी सिंपल मैंने इसको अभी बहुत ज्यादा डीप में बताया है या स्टेप बाय स्टेप बताया है क्योंकि मैं इस वाले लेक्चर में सिर्फ बेसिक को कवर कर रही हूं तो मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए अभी सेकेंड क्वेश्चन है ए बोट इज ट्रेवलिंग इन स्टिल वॉटर ओके विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आर मीन्स अगेन हमको एक्स दिया हुआ है ओके okay. थर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन फोर आर थर्टी मिनट सबसे पहले तो क्या होगा जो थर्टी मिनट है मतलब हाफ एन आर फोर आर मीन साढ़े चार घंटे उसको टोटल लग रहे हैं तीस किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है और तीस किलोमीटर वो अप्रीम जा रही है इस पूरे में वो साढ़े चार घंटे का टाइम ले रही है देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है अब हमको क्या करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो सबसे पहले 4.5 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं सो so, यहां हम क्या करेंगे 30 ये हमारा डिस्टेंस है x plus y डाउनस्ट्रीम 15 plus y अभी हमको नहीं पता क्या है अगेन 30 x y ये अपस्ट्रीम और इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में उसको 9/2 टाइम लग रहा है अब यहां पे क्या करेंगे दिस इज 15 ये जो हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो हमारा बन जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 ट्वेंटी फाइव माइनस वाई स्क्वायर और जब हम इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं थ्री से ये नाइन कैंसिल हो जाएगा और ये टेन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा माइनस टेन वाई प्लस वन प्लस टेन इक्वल टू थ्री बाई टू आ गया ये हमारा टेन वाई टेन वाई कैंसिल हो जाएगा और वन फिफ्टी वन फिफ्टी हमारा कितना हो थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई टू सो इट इज सिक्स हंड्रेड और ये हमारा हो जाएगा सिक्स सेवेंटी फाइव माइनस थ्री वाई स्क्वायर सो थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू सेवेंटी फाइव अब थ्री तो से एक वैल्यू प्लस आएगी और एक वैल्यू माइनस आएगी तो हम प्लस वैल्यू कंसिडर करेंगे सो जो हमारी स्पीड होगी स्ट्रीम की वो आ जाएगी फाइव किलोमीटर पर आवर हमारा अगला क्वेश्चन है इन वन आर बोट गोस टू इलेवन किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड फाइव किलोमीटर पर आर अप स्ट्रीम फाइन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अब ये जो वन आर दिया है ना इसका एस सच कोई यूज नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हमको क्या दिया है कि वो डाउन स्ट्रीम में इलेवन किलोमीटर पर आर से चल रही है दैट मीन एक्स प्लस वाई इक्वल टू इलेवन एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमको 2x एक्स इक्वल टू सिक्सटीन मिल जाएगा और x की जो हमारी वो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8। इससे हम निकाल लेंगे कि हमारी y की वैल्यू क्या 3 हो जाएगी और हमको क्या चाहिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया उसने क्या किया 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया टू आर्स में डाउन स्ट्रीम हमारा क्या होता है y प्लस किलोमीटर कवर किया और टू आर्स में किया दैट मीन x प्लस वाई इक्वल टू एट डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी एट किलोमीटर पर आर आ रहा गया वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस अगेन उसने किया है और वो कितना किया है अपस्ट्रीम में कवर किया है और टाइम कितना लिया फोर आर so, सो इससे हमको क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर वॉट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर अगेन हमको एक्स ही निकालना है दोनों इक्वेशन को फिर से एड करेंगे यदि सो टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इक्वल टू सिक्स किलोमीटर पर आर इससे भी हमको इजीली मिल गया तो जो मेथड मैंने इधर बताई है मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज किया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसको लेके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आप भी इसी मेथड को यूज करके अपने सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते कर सकते हैं इसमें बहुत कम टाइम लगता है थैंक यू